जय माता दी मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का अपने चैनल एफ गुल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में अष्टमी के दिन का वीडियो लेकर के, जिसे लाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए क्या सब मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि मेरा ना लेट हो गया था अष्टमी के दिन पूजा करने में, क्योंकि मैंने जो साड़ी भगवान को चढ़ाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो ऑर्डर आया तो था टाइम से, बट वो मेरे फ़ोन रिसीव ना करने की वजह से रिटर्न हो गया था। इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा, जिस दिन अष्टमी में वेट करती रही कि वो बोल रहा था कि मैं कल तक पहुंचा दूंगा, मैंने कि सप्तमी के दिन पहुंचा दूंगा शाम तक, तो मैं वेट करती रही बट वो नहीं आया। तो फिर मैं अष्टमी के दिन मॉर्निंग में हस्बैंड जी के साथ जा करके सारा सामान फिर से खरीद के लाई, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये साड़ी चूड़ी मतलब जो भी श्रृंगार का होता सामान और जो भी मिठाई वगैरह जो भी था, सब कुछ सुबह में लाई मैं खरीद के। और फिर मैं आई मंदिर, मंदिर आने में थोड़ा लेट भी हो गया, बट मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मैं 12 बजे से पहले पूजा कर लूँ। तो माता रानी का कृपा रहा कि मैं 12 बजे से पहले मंदिर में आ करके पूजा वूजा सारा कुछ कर ली। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से पूजा की। ये मेरे घर के पास का ही मंदिर है, मैं दूर वाले मंदिर में नहीं गई क्योंकि लेट हो जाता। और ये छोटा सा बहुत प्यारा मंदिर है, ये मेरे घर के, मैं सावन में भी इसी मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए, और आज भी इसी मंदिर में आई हूँ खोइछा भरने के लिए। और साड़ी वाड़ी लेकर के मैं फर्स्ट टाइम खोइछा भर रही हूँ, और बहुत अच्छा से मेरा ये पूजा फर्स्ट टाइम में की तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। मैं पहले ही सोची हुई थी कि जब मेरे बच्चे अपने लायक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तब मैं साड़ी लेकर के भगवान को खोइछा भरूँगी। तो मैं आज तक चुनरी में भर रही थी, बट इस बार मेरा सब कुछ सही हो गया, तो मैं इस बार साड़ी में भरी हूँ फर्स्ट टाइम। और सब कुछ मेरा बहुत अच्छा से पंडित जी ने सारा व्यवस्था कर दिया, मैं बहुत अच्छा से कर ली। और ये देख सकते हैं आप कि सारा पूजा किस तरह से मैं की हूँ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, अच्छे रहे, तो सब कुछ में बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ कन्या वगैरह जिम रही थी, इसका भी मैं वीडियो बना ली। मैंने बनाई, मेरी बेटी बनाई, और बेटी भी है साथ में, तो उसने बहुत साथ दिया मुझे। और बच्चे साथ में हों और हेल्प करने लगे, तब तो सब काम आसान। मुझे तो पहले लग रहा था कि साड़ी भी नहीं मेरा हुआ, ना कुछ मेरा प्रसाद वगैरह का इंतजाम हुआ, अब कैसे होगा। लेकिन हस्बैंड जी बहुत कृपा किए, सब कुछ मेरा मैनेज कर दिए, सब कुछ व्यवस्था हो गया। और जानते हैं दोस्तों, जब मैं ये साड़ी यहाँ इस मंदिर में चढ़ा ली, तो मेरा दूसरा साड़ी भी आ गया शाम में। फिर मैं उसे बड़े मंदिर जो हनुमान टीला है वहाँ पे जाके चढ़ा दी, ठीक है। और ये जब मैं हम लोग मंदिर से रिटर्न हो गए तो बहुत धूप था, मैं स्कूटी से थी, फिर भी बेटी बोली कि मम्मी ये साड़ी से मैच करता हुआ फूल, इस फूल के पास मेरा मन भी था फोटो लेने का, तो बेटी पता नहीं कैसे समझ गई, तो बोली मम्मी यहाँ फ़ोटो लीजिए ना, बहुत अच्छा आएगा। तो मंदिर से निकल करके जब गाड़ी साइड में लगा करके, और फिर हम लोग यहाँ पे अपना शूटिंग किए, ठीक है, फिर वीडियो वगैरह बनाए। उसे बहुत मन था कि मम्मी का अच्छा अच्छा बना दे वीडियो। अब वैसे भी हम उसके साथ खेलते रहते, ज़िंदगी में हंसते खेलते रहना चाहिए, तो बोली कि बनाते हैं वीडियो। तो ये देखिए फूल से बोल रही थी कि बहुत अच्छा, सही मेरी बहुत अच्छा लगता है ये फूल, रोड के किनारे किनारे लगा हुआ है, इतना अच्छा, बिना पानी वानी किसी को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, और इतना खूबसूरती देता हुआ ये फूल है, ठीक है। और ढेर सारा यहाँ वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप से पूरा लाल हो रहा था चेहरा। मेरी बेटी चिढ़ती, जैसे बताती वैसे करती रही, मैं वो कुछ कह रही थी और मैं कर कुछ रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी धूप बहुत था। मैं बोल रही थी कि मैं कोई मॉडल तो रही ना, बोली कि मम्मी ने बस इंजॉय के लिए कीजिए। तो फिर हम दोनों माँ बेटी खूब इंजॉय किए, खूब फोटो वगैरह यहाँ लिए, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए ना, मेरे साड़ी से मैच करता हुआ फूल है। और ये बेटी मेरी बोली कि देखो मैं तो आपको गुलदस्ता बना के दे रही हूँ, तो वो ये देखिए फूलों का कितना सारा प्यारा सा बना के दे रही है मुझे, तो अच्छा लगता है। बच्चे अगर प्यार करते रहे, प्यार देते रहे, और फैमिली में सबको देखिए मेरा फेस कितना लाल हो गया बिल्कुल धूप से, अब फिर भी वो खेले जा रही है, बनाते जा रही है। अब जब मेरा बना ली ना, तो बोले कि अब मैं भी मॉडलिंग करूँगी, मेरा भी बनाओ, ठीक है। तो हम दोनों माँ बेटी खूब मजा किए, लेकिन लेट हो रहा था, भूख भी लग रही थी। और देखिए आसमान भी कितना सुंदर, आसमान में ये पीला पीला फूल कितना। अब मॉडल नंबर 2 आ गई है आप लोगों के बीच में, तो अभी इस मॉडल को देखिए, ये भी बोली कि मैं भी मॉडलिंग करूँगी, ठीक है। तो हम दोनों माँ बेटी खूब मजा किए,
अच्छा लगा, ये आ जाती है तो घर में रौनक सा बन जाता है, अच्छा लगता है। खूब दोनों माँ बेटी इंजॉय करते हुए, और माता रानी का सबसे बड़ा कृपा, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो भी आ गया, तो मैं वो भी चढ़ाई, सारी को मैं बड़े मंदिर में जाके चढ़ाई हनुमान टीला पे। और माता रानी से ही प्रार्थना करूँगी कि सबके ऊपर अपना कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।